गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट जावेद मलिक ने जालसाजी के मुकदमे में मुलव्विस खातून वकील ज़ेबा अमाद और उसके शोहर अमाद अहमद को 2 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई तो वकला मुश्तइल हो गए और उन्होंने मुलजमों को जेल मुंतकिल करने से रोक दिया और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उबैद अहमद खान से दोनों मुलजमों की शख्सी जमानत हासिल कर ली। कोर्ट टाइम के बाद मुझे इस केस में सज़ा सुनाई, जेंट्स पुलिस को बुला के मुझे हथकड़ियाँ लगवाई। बाद में मेरे जितने भी यहाँ पे वकील थे और जो लेडी वकला थी वो लोग आई, उन्होंने आके हथकड़ियाँ खुलवाई। वकला के रवैये के खिलाफ जजेज और अदालती अमले ने एहतजाजन हड़ताल कर दी और तमाम जजेज एफ ब्लॉक में जमा हो गए। जजेज की हड़ताल के बायस मुकदमात की पैरवी के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं लाहौर में, हम कहाँ जाएंगे? अगर ये अदालतों की ऐसे छुट्टियाँ होंगी तो हम किधर जाएंगे? मेरी शादी हुई, मैं मुश्किल से आई थी, पर इन लोगों ने इस तरह का मसला कर दिया। अदालती हड़ताल को खत्म कराने के लिए कराची बार के सदर और दीगर वकला सेशन जज ईस्ट सादिक हुसैन बट्टी से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो मुतअद्दिद वकला ने जजेस का साथ देने पर अदालती अमले को बुरा भला कहा। सबर का पैमाना लबरेज हो गया, तो ये कान खोल के सरकारी मुलाजमी सुन लें कि उनका यहाँ रहना दोबर हो जाएगा। किसी वकील ने कोई ज्यादती कर दी थी, कोई मिसहैप किया था या हॉट टॉक्स हो गई थी तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते, मगर ये कि इस तरीके से स्ट्राइक करना वो मुनासिब नहीं होता है कि बार बेंच के खिलाफ करे और बेंच बार के खिलाफ करे। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस मकबूल बाकर ने मदाखलत करके हड़ताल खत्म करा दी और पांचों सेशन जजेस कराची और मलीर बार एसोसिएशन के सदूर पर मुश्तमिल कमेटी तशकील दे दी। कैमरामैन अब्दुल क्यूम शेख के साथ लियाकत अली राणा, दुनिया न्यूज़, कराची।